हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो गाइस करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बज चुके हैं और डेली रूटीन की तरह सुबह के सारे मेरे काम कंप्लीट हो चुके हैं। और मिस्टर जोशी जी को आप देख सकते हैं अभी तक उठे नहीं है। बड़े ठंड के दिन है तो बड़ा अच्छा आलस आ रहा है इनको, तो उठाने की कोशिश करते हैं। मैंने सुबह से 3 बार उठा दिया लेकिन अभी तक उठे नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, नेट वेट लगा के बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ मिस्टर जोशी जी उठ जाओ भैया, चाय बनाते हैं। हेलो, चलिए। तो भैया आदमियों के वाकई में ना बहुत मजे रहते हैं, ना कोई काम की टेंशन है, ना कुछ है, ना कुछ है, कोई मतलब नहीं है। और आराम से फराटे मार के सोए हैं बिना टेंशन, कुछ नहीं। बस अभी टाइम से नाश्ता चाहिए, सामान सब रेडी चाहिए। ऑफिस तुम जाओगी, घर के काम तुम करोगे। तो गाइस रोज सुबह सो के किच 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 स्टार्ट होती है, अब सही शुरू हो गई है, ये देखिए। तो चलो फटाफट उठो, मैं चाय वाय लाती तुम्हारे लिए। चाय पहले। तो गाइस आज मशीन भी लगी हुई, तो कपड़े भी धुल रहे हैं एक साथ। तो एक बंद 2 काज हो रहे हैं हमारे। तो मम्मी चली गई है नहाने के लिए, तो अब चलते हैं किचन में, लाते हैं इनके लिए चाय वाय, फिर करते हैं नाश्ते पानी का जुगाड़ पानी कुछ। तो चलते हैं, चलिए आपको ले चल रहे हैं। तो बाकी तो घर वालों ने सभी ने चाय पी ली है। मिस्टर जोशी जी रह चुके हैं तो उनको बना के देते हैं चाय। और सुबह सुबह तो भैया ठंड ठंड और बढ़िया सी चाय मिल जाए तो भैया पूरा दिन इतना बढ़िया जाता है। तो ठंड के दिनों में तो भैया जितनी आप चाय पी लो उतना कम है। तो चाय वाय पिलाते हैं मिस्टर जोशी जी को, फिर उठाते हैं। वैसे जोशी जी चाय ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं और पीते भी हैं तो बिना चीनी की चाय पीते हैं। वैसे मतलब हम लोग वैसे पिला देते हैं उनको सुबह सुबह चाय की, पी लो ज़बरदस्ती, पर चाय के शौकीन बिल्कुल भी नहीं है, चाय इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे आदमी बहुत कम होते, नहीं तो कुछ लोग तो होते भी बार बार चाय 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 चाय। तो अब क्या बनाया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूछते हैं क्या बनाया जाएगा खाना पीना। तो गाइस आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। और कल का मौसम जो था थोड़ा सा व्यस्त था, यानी कि कह सकते हैं कि कल का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, यानी कि बारिश वाला मौसम हुआ था, बारिश भी आई हुई थी। तो कल मेरे बहुत सारे कपड़े भी थे जो सूखे नहीं थे, तो फाइनली आज धूप आ चुकी है। तो आज मैं अपने कपड़े बहुत बढ़िया तरीके से सुखा लूँगी। वैसे तो आज भी कपड़े बहुत हो गए धोने के लिए, तो 2-3 तार तो ऐसे ही भर चुके हैं। तो चलो कोई नहीं, धूप है तो बढ़िया से सूख जाएंगे कपड़े। तो इधर हमारे जोशी जी के लिए बन गई है चाय, बाकी घर वालों ने सबने चाय कंप्लीट कर ली है, यानी कि सबने चाय पी ली है। तो गाइस ये है जोशी जी की चाय, अब हमने उठाने की कोशिश करते हैं, फुल टू कोशिश। तो यहाँ देख सकते हैं ये कैसे बढ़िया तरीके से सोया है, ना कोई टेंशन है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो ये देखो, गुड मॉर्निंग, हेलो। देखो गाइस अभी मैं उठा के गई थी, दोबारा सो गए। उठ जाओ ना यार, चाय लाए, अगर चाय ठंडी में दोबारा गर्म नहीं करूँगी, साफ बात, ठीक है ना। उठ जाओ फिर। तुम पियो अपनी चाय, करो एंजॉय, हम करते हैं अपना काम, ठीक है। अब हाथ में हाथ रख के बैठ जाते हैं थोड़ी देर। और आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि बनेगा क्या, क्योंकि मम्मी गोभी नहीं खाती, गोभी भी है और बैगन भी हैं, बड़े बैगन है, छोटे बैगन है, शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां मम्मी नहीं खाती हैं। तो बनेगा क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी फ़िलहाल ऐसी चीज़ बनाती है जो सब लोग खा लेंगे और फिश का शाम को देखी जाएगी। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है गाइस। तो अभी वेट करते हैं कुछ क्षणों में, यानी कि मम्मी के आने का वेट करती है। मम्मी गई हुई नहाने के लिए, तो उसके बाद मम्मी ये बताएगी कि आज क्या बनेगा। तो थोड़े रेस्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उठ चुका हूँ, बीना ने मेरा खून पी दिया उठाने में। तुम्हारा ही खून हो रहा है तो उठो 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 उठो। ला 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 ला। मुझे यार तुम्हारे उड़ी उड़ती बिस्तर को उठा दिया करो। डेली मैं उठाता हूँ, आज तुम उठा रही हो तो इसलिए जता रही हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। झूठ कम बोला करो, झूठे मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी ऐसे वाली है। बीना का बस नहीं चलता, मैंने कहते कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगी। काम करने देते हैं, काम ज़्यादा नहीं बोलते हैं। सुबह सुबह खाली पेट पेटा गाँव में अरे डर तो लगता ही है यार, बीवी का भरोसा थोड़ी है, मार तो सकती है ना भाई। क्या आप लोगों ने चाय पी? आपने तो पी ली होगी, मैं भी पी लेता हूँ। सबकी चाय पी के दोबारा चाय तैयार होके लोग आधे लोगों ने नाश्ता भी लिया होगा। तू तो कहते ऑफिस भी चले गए लोग। ऑफिस का टाइम नहीं हुआ अभी, फिर दूध वाले चले भी गए। हाँ बड़ी वाले बड़ी और वाले का लालकुआ वाले बड़ी वाले तुम्हारा पास में है, तुम ज़्यादा ही चिकाट पाते हो। मत पढ़ा करो खत्ता चिकाट। गाइस मेरी सेहत के लिए यही अच्छा है कि मैं यहाँ से निकल लूँ। अब प्रेशर बन गया होगा है इधर नहीं बढ़िया से प्रेशर दुश्मन। मैं भी यही सर दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा तू नागिन में सपेरा। बीना ये तुम क्या कर रही हो? मुझे नाश्ता बना लिया, मुझे क्या बनाना है। आज दो दो आइटम बनने वाले हैं। देखो हमारे घर में 4 सदस्य हैं, तो 2 लोग खाएंगे मूली के पराठे, 2 लोग खाएंगे आलू के पराठे। तो आज नाश्ते में 2 चीज़ें बन जाएंगी, मूली के पराठे और आलू के पराठे। हाँ क्योंकि मैं वैसे भी आलू और मैं मूली मैं आलू का नहीं खाऊंगा, मिक्स करके खाएंगे। एक आलू एक मूली। मैं आलू का मुझे नहीं अच्छा लगता, मूली का तो मैं खा लूँगा। चलो मूली खा लेना। तो आलू बॉइल करके रख दे दूँ। आलू हो जाएंगे, कितना डालूं? है हो जाएंगे, हो जाएंगे। हाँ मूली भी तो है, हो जाएगा। नाश्ता धनिया है क्या? नहीं ना, तो चटनी बना दिया, मिर्ची है तो मिर्च की चटनी खाओगे। इसी की बातें कर देते हो और जैसे पागल वाली बातें मत किया करो। क्या कर तुम्हारे साथ रह के हो गया, वरना तो सही था। पागल। तो गाइस बहुत कर दी मैंने इसके लिए रिकॉर्डिंग। अब मैं जा रहा हूँ, नहा धो के आता हूँ। मूली कौन चलेगा फिर? जाओ मैं मुझे मैं अपना काम खुद कर लूँगी। तू क्या सोच रही थी कि मूली तो मुझसे करवाएगी? मैं मूली को ये देख रहा हूँ, सच्चाई निकल आई गाइस, सच्चाई कि मूली के पराठा तुम खाओगे, तुम मूली के पराठा। सुबह 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के नहा धो के है ना, क्या कहते हैं, सीधे तुम्हें किचन में लगवा दूंगी। ये फायदा क्या हुआ? तुमने तेरे मूली सच्चाई तो निकली थी ना, कोरेगा कौन? मैं खुद कर लूँगी। ऐसे आलस नहीं आता मुझे काम में। अरे तो मैं साफ सफाई से किचन कैमरा ऑन है इसलिए। कैमरा ऑन नहीं था, डर पड़ेंगे कैमरे वालों की। हम जो बोलते हैं साफ और शुद्ध बोलते हैं। ये तो गाइस फाइनली वो समय आ चुका है जब मैं नहा धो के टिम चुके गुड बॉय बन के आ चुका हूँ। और बीना जो है नाश्ता फाइनल नाश्ता बनाने की तैयारी में लग चुकी है। वहाँ उसके पराठे बनने लग गए हैं। ये रखा है पराठों के लिए माल। जो लोग मूली के पराठे खाएंगे वो मूली के खाएंगे, जो आलू के खाएंगे वो आलू के खाएंगे। और ये है बीना, और यहाँ उबल रही है हमारी चाय। नाश्ता फुल रफ्तार में बनता हुआ। और बीना इस टाइम अभी कुछ बोलने के मूड में नहीं। कुछ बोलेंगे आप? कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगी? तो ऐसा अभी आ सकते हैं हमारे घर पे गर्म पराठे खाने के लिए, जो आस पड़ोस के लोग हैं। आज आप जल्दी चलो। अच्छा थोड़ा जोर से बोलो। जैसे कि मुंह पानी आ रहा है क्योंकि आज पराठे बन रहे हैं। मूली के पराठे दही के साथ, घी के साथ बहुत मजा आता है। दो पराठे खाऊंगा घी के साथ, दो पराठे खाऊंगा दही के साथ, एकदम मस्त एकदम। ये देख रहे हैं आप, तैयारी पूरी चल रही है। मैं बाहर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो पहले वाले खाते हैं ना, उनको ही मजा आता है, माल उन्हीं को मिलता है। हाँ, और तुम पहले मूली के क्यों बनाने लगे? पापा लोगों को पहले आलू का खिलाओ। एक आलू एक मूली, एक आलू एक मूली, ऐसे मिलेगा सबको, बैलेंस बना के मिलेगा। मैं आलू के नहीं खाता हूँ, पता है ना। बहुत है, बहुत अच्छा। तो गाइस यहाँ नाश्ते की तैयारी फुल रफ्तार में होने लग गई है। मूली के पराठों में एक चीज़ की खासियत होती है। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। मूली के पराठों का पानी अच्छे से निचोड़ा जाएगा तो बहुत अच्छे होंगे। अब ये तो बता दो लोगों को कि पानी निचोड़ा किसने है? मैंने कद्दूकस किया, मैंने सब कुछ किया, तो निचोड़ा पानी किसने निचोड़ा, सही बताओ। हाँ, इधर को मुँह करके बोलो। जोशी जी ने। हाँ, चलो गाइस अब नाश्ता करते हैं, तब डाइनिंग टेबल पे आपसे मेरी मुलाकात होगी। तो गाइस अब हमारा भी नंबर आ चुका है नाश्ता करने का। मम्मी पापा दोनों नाश्ता कर चुके हैं और बीना जो है यहाँ मेरा नाश्ता लगा रही है, और ये और मैं अब नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में गरम गरम ये देखिए मेरे फेवरेट मूली के पराठे, और बीना खाएगी आलू के पराठे। मैं मूली दूंगी। अच्छा, तूने भी अपने लिए मूली के बनाए हैं? ये बात, ये सॉस, क्या बढ़िया लग रहे हैं पराठे भाई। और ये मेरी थोड़ी कलाकारी है, ये मैंने आलू और मूली मिला के कुछ बनाया है। इसको क्या कहेंगे? आलू मूली का साग बना दिया मैंने, पर मुझे मन कर रहा था तो मैंने इसे बड़ा क्रिस्पी बनाया तेल में सेक के, और अभी चख के बताऊंगा कैसा हो रहा है। और ये झोली है, नाश्ता इसके बिना इनकम्प्लीट रहता है। और वहाँ अंग्रेजों वाला नाश्ता चल रहा है, वो सॉस के साथ खाएगी, ठीक है। और ये हमारी चाय। तो गाइस इसी नोट के साथ अब हम दोनों कर लेते हैं नाश्ता, फिर आपसे मुलाकात होती है आगे किसी मोड़ पर नाश्ता करने के बाद। बाय बाय। तो भाई नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, और अब हम लोगों का काम हो गया है, यानी कि रास्ता बचा हुआ बढ़िया तक दूंगी का। तो उनकी सब्जी हो रहा है रेडी, तो जाएंगे वॉक कीजिए। तो भाई करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।